गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन से बनेच। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की सन से बनेच की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। दोस्तों, मामला शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, जहां पे कमेटी की रिपोर्ट लगभग फाइनल हो चुकी है। क्या क्या चीज़ें हुई हैं दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी खबर है। दोस्तों, कमेटी की रिपोर्ट लगभग हो चुकी है फाइनल, अब घोषणा होने की का सभी को इंतज़ार है। दोस्तों, और बहुत जल्द घोषणा होने की भी संभावना है। घोषणा के बाद नियमावली में हुए संशोधन पर कैबिनेट में लगेगी मुहर। सितंबर के अंत तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू करने का लक्ष्य है। दोस्तों, सितंबर के अंत तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू करने का लक्ष्य है। आज 15 अगस्त के दिन भी शिक्षकों के लिए कुछ घोषणा हो सकती है। ऐसी सभी शिक्षकों की उम्मीद भी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री शिक्षकों के हित के लिए ज़रूर कोई फैसला लेंगे। सक्षमता पास शिक्षकों के साथ ही BPSC TRE 1 और TRE 2 का होगा ऐच्छिक स्थानांतरण। दोस्तों, सक्षमता पास शिक्षकों के साथ ही जो BPSC TRE 1 और TRE 2 हैं, उनका भी ऐच्छिक स्थानांतरण की बात चल रही है। दोस्तों, कमेटी की रिपोर्ट में इस पर भी काम किया गया है। काउंसलिंग खत्म होने के बाद एक साथ सभी से मांगे जाएंगे आवेदन और विकल्प। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, एक साथ जब अभी काउंसलिंग चल रही है सक्षमता पास शिक्षकों की, इनकी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद एक ही साथ दोस्तों ये जो सक्षमता वाले हैं TRE 1 और TRE 2 सबसे एक साथ आवेदन लिया जाएगा। जिन्हें ज़रूरत नहीं वो जिस स्कूल में हैं वहाँ बने रह सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। जिन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं है वो जिस स्कूल में है वो वहीं पे रह सकते हैं। तय कैटेगरी को डिजर्व करेंगे, उन्हें पहले मिलेगा लाभ। दोस्तों, महिला, दिव्यांग, पति पत्नी, मेडिकल ग्राउंड वाले को पहली प्रायोरिटी पर होम ब्लॉक दिया जाएगा। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग है, पति पत्नी है, मेडिकल ग्राउंड वाले जो हैं, उन लोगों को पहली प्रायोरिटी पर होम ब्लॉक दिया जाएगा। सक्षमता में सेकेंड या थर्ड च्वाइस वालों को भी ई शिक्षा कोष से आवेदन का मिलेगा मौका। और विभाग युद्ध स्तर से जुटा है तैयारी में। दोस्तों, ये बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है शिक्षकों से जुड़ा हुआ। दोस्तों, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कि सभी को एक ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाएगा। जिन्हें ज़रूरत होगा वो अपना आवेदन देंगे और उनका ट्रांसफ़र होगा, और जिन्हें ज़रूरत नहीं होगा वो आवेदन नहीं देंगे, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। बहरहाल, इस वीडियो में जाएँ, फिर मिलते अगले वीडियो में। आप सन से बने इसके साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।